की शक्ल ना बर्थडे जैसी आ रही है। गोप्रो का सीन कैसा है, पहला 3 सेकंड रिकॉर्ड करेगा फिर तेरा स्क्रीन ब्लिंक होएगा। कॉजवे उधर है भाई साहब कॉजवे उधर है, आगे 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 से राइट मार। तो गाइस के हलचल एवरीडे में आप सबका स्वागत है। तो अपन आज शूट कर रहे हैं अपने एक्शन 3 से। भाई मैंने पहली बार अल्ट्रा वाइड पर शूट कर रहा हूँ, काफ़ी नज़दीक कैमरा रखा है आवाज़ क्लियर आने के लिए। ये अपनी टेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाली है क्योंकि कैमरा मम्मा लेके गई थी, आज आ गए तो अपन आज कैमरा लेके आ गए। तो मेरे को डाउट लग रहा है, जो एकदम एक्सटेंडेड वाइड एंगल होता है जहाँ से मेरे हाथ के यहाँ से देख रहे होगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ऐसे मोटा मोटा फटाफटा सीधे चीज़ें लग रही होगी। तो अभी लाइक हाँ, मतलब मेरे को वर्ड याद नहीं आता, फिश आई व्यू जो होता है जो आपके एक सर्टन एंगल के बाद वो बहुत वाइड हो जाता है, तो एजेस से शायद से वैसी वीडियो शूट होगी। मैंने कैमरा बहुत नज़दीक पकड़ा है बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैंने गिम्बल या किसी चीज़ पे कनेक्ट करके मैंने बहुत दूर पकड़ा है, बट अगर मैं दूर करता तो इतना भाई होता है जिससे मेरा पूरा हाथ आ रहा है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। और अपना 1-2 महीने में मैं इसके लिए वायरलेस माइक ले रहा हूँ, हॉलैंड का एक ब्रांड है, मैंने उसका सोचा लेने के लिए। रीज़न क्या है, तो हॉलैंड करके एक ब्रांड है, जो मेरा मेन रीज़न था कि उसके 2 मेरे को माइक मिल रहे हैं और उसमें ये ऑप्शन है कि विथ मैं नॉर्मल ऑक्स टू टाइप सी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं मेरे PC पे भी वो माइक यूज़ कर सकता हूँ वायरलेसली, और सेलफोन या फिर मतलब 3 ऑक्स मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। सो आई वॉज लाइक अगर मल्टीपल फीचर्स मिल रहे हैं तो वाई नॉट, ये है। और आई गेस काफ़ी स्टडी इसका ये है क्योंकि मैंने इसका रॉक स्टडी व्यू जो है वो चालू रखा हुआ है, स्टार्टिंग से ही चालू रखी है मैंने, थोड़ी बहुत आगे यहाँ वहाँ से वीडियो क्रॉप होती रहती है क्योंकि वीडियो आपको एक स्टडी वे में दिखे। रॉक स्टडी मोड मैंने ऑलरेडी ऑन रखा है, वो काफ़ी अच्छा फीचर है, इसमें रॉक स्टडी प्लस फीचर है, बट वो बाइक राइडिंग के लिए अच्छा है। मैं बाइक राइडिंग वैसे कर रहा नहीं हूँ, बाइक है नहीं अपने पास फिलहाल, बाइक लेंगे तो तब की तब देखते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक सेट होती रहती है, अगर आप शैडो में जा रहे हो या शैडो से बाहर आ रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको कहीं पे बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, बार बार सेटिंग चेंज करो ये करो वो करो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास गिम्बल है तो भाई साहब कैमरे का रॉक स्टडी मोड आप चालू कर लीजिए और गिम्बल पे आप अटैच कर दीजिए एडजस्ट करके, एंड यू आर गुड टू गो, मतलब तो स्टेबिलिटी हर वीडियो में दिखेगी, इट्स रियली गुड। कह रहा था कि हाँ भाई अगर गिम्बल विम्बल पे होगा तो गिम्बल पे आप कनेक्ट कर सकते हो आपका कैमरा, एंड व्यू का भी अच्छा होगा, शेडी होगा, एंड इट्स रियली ग्रेट। तो अभी फिलहाल अपन CSC के खाऊ गली में आ गए तो कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, ये रिव्यू तो अपना ऐसे ही चलने वाला है, आज टाइम पास रहने वाला है। लाइट वाइट धूप वीप में भी नेचुरल कलर्स आ रहे हैं, मेरे को ये काफ़ी चीज़ काफ़ी सही लगी कि कलर काफ़ी नेचुरल्स हैं, तो इट्स रियली गुड। नहीं नहीं बोल वांदा नहीं भाई, एक्शन 2 का है ना मेरे को स्टेबिलिटी वाला था ना, स्टेबिलिटी ना हाँ भाई, वो पूरा गोल घूम जाता है लेकिन उसका वो हॉराइजन सेटिंग इसमें भी है, हॉराइजन मैंने बंद करके रखा है, हॉराइजन ऑप्शन, मतलब आकाश कैमरा बाद में लेने वाला था एक्शन 2, अब वो एक्शन मतलब हम लोग जा रहे हैं अभी कैमरा लेने के लिए, तो मतलब अपन इसमें भी कवर कर लेंगे एक्शन 2। जरा पूछो तो सही, क्यों लेने जा रहे हैं आज अभी क्या? हाँ वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फुर्सत में कभी बैठेंगे स्ट्रीम पे तब अपन ऐसा डिस्कस करेंगे कि क्यों आज के दिन एक्शन 2 लिया गया है, मतलब ऐसा स्टोरी चाहिए ना बकचोदी करने के लिए टेस्ट स्ट्रीम पे। तो भाई सीन ऐसा है कि मेरे लास्ट वीडियो अपने DJI का जब मैंने कैमरा खरीदा, मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं एक चीज़ बताऊँगा कि GoPro मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो रीज़न ये था कि अपने एक फ्रेंड है भाई साहब के पास GoPro 10 है, वो कैमरा GoPro उसका जो है GoPro बोल दो सॉरी, मेरे स्पॉन्सर्ड वीडियो ही तो मेरा फर्क नहीं पड़ता है, बस चलो कैमरा 4 बार रिप्लेस होके आया है, फिर वो भाई साहब ने एक्स्ट्रा पैसे दे के GoPro 10 दे के रिटर्न, एक्स्ट्रा पैसे दे के GoPro 11 लिया, क्यों? ओवरहीटिंग इशू की वजह से भाई, 11 में भी सेम इशू, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है 2 या 3 मिनट का और कैमरा इतना ओवरहीट हो रहा है कि बंद हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, फर्मवेयर अपडेट किया ये वो, आखिर में बेचारा बैठता का कि अब वो वैसा ही कैमरा यूज़ कर रहा था। आई एम लाइक नहीं भाई मैं GoPro नहीं ले रहा हूँ, DJI में अपन ट्राई कर रहे हैं, जितना मैंने अब तक यूज़ किया है, जितना यूटिलाइजेशन मेरा है, जब वेबकैम मैंने यूज़ किया है, मेरे को वो दिक्कत आई नहीं ओवरहीट की, बट अभी अपन जैसे व्लॉगिंग डेली करेंगे, चीज़ें डेली रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर मैं और भी धीरे धीरे करके अपन 4-6 महीने के बाद फिर से एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे या फिर एक अपडेट वीडियो बना देंगे, और इनको भाई साहब को दिखता ही नहीं है। देखो ये अंधेरे में शूट कर रहा हूँ, मेरे को अनफॉर्चुनेटली छोटी छोटी 2 तस्वीरें दिख रही है जो मेरे को देखने का मन नहीं है, बट फिर भी मुझे ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, तो मुझे देखना पड़ रहा है। तो कैसा है जो नूबड़ा अपने से पीछे पीछे जा रहा है, वो पहला फ्लोर पे जा रहा है बट अपने को सेकंड फ्लोर पे जाने का है, इसको पता नहीं मेरे साथ में आने के बावजूद भी, बट ठीक है खोला अपना कैनन का
हां 6 मार्क्स को और अपना ये लेंस का मुझे देखना था कि कौन सा मेरे लिए सूटेबल है। ये DJI का अपना कैमरा 5mm या 50mm DJI 2 क्या शूट कर साथ में 128GB का मेमोरी कार्ड और वहां पे है उसका केस। ये पेपर वर्क की जिंदगी में कोई नहीं पड़ता। यहाँ पे आ गई एक टाइप सी केबल, यहाँ पे एक आता मैग्नेटिक कनेक्टर जो अपने डीजी एक्शन 3 के लिए भी मिला था और एक गले का नेकलेस है, तो ये सब क्या ही बताए। और ये है सिलिका जेली, खाना नहीं जो आकाश कभी कभी खाल में दो चीज मिलती है, एक आता है एक्स्ट्रा बैटरी या कैमरा पावर बैंक, एकदम चिंटू सी यार 1x1 का छोटा सा बेटर है। भाई ये आता है आकाश का कैमरा, भाई बहुत छोटा है, बहुत मतलब बहुत छोटा है, यूट्यूबर ही है तो लेकिन बहुत अच्छा है। उसने ये बोला है इसका खरीद लो, सोनी नहीं चाहिए भाई, बहुत बहुत छोटा है भाई, मतलब इतना छोटा है ना, ये देख लो और इसके बाजू में रख लो, मतलब ये माउंट कहाँ पे आ रहा है और ये कैमरा कितने पे आ रहा है, मतलब देखो ये माउंट मतलब भाई दो उंगली के जितना इतना सा कैमरा है। तो सीन ऐसा है कि मैंने भी कैमरा ले लिया है, मतलब मैं तो ले लिया था लास्ट वीक मैं अपने, क्योंकि मैं आईफोन से नहीं कर रहा वीडियो शूट्स अभी, दो रीज़न थे, फ़ोन बहुत ओवरहीट हो रहा था, बैटरी उसकी जो परसेंटेज थी वो काफ़ी गिर गई थी, लाइक कि नोप अपने को आईफोन पे शूट नहीं करना है, तो मैंने अपना एक्शन कैमरा ले लिया था। अब आकाश भैया ने भी आज ख़रीद लिया है, अब भाई साहब पे घर पे गालियाँ पड़ने वाली हैं उसको क्योंकि उसने घर पे बताया नहीं, हम लोग आए थे बेसिकली नियॉन साइन के लिए, मेरे को एक नियॉन साइन लेना था, तो आई वॉज लाइक तो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, मतलब ये बहुत शॉर्ट वीडियो था बिकॉज एक्चुअली आज रिव्यू वीडियो शूट करनी थी बट हैंड्स ऑन करना था काफ़ी सारी चीज़ें, बट वो इतना कर नहीं पाया, गर्मी काफ़ी हो रही थी और आकाश ने भी DJI ले लिया एक्शन 2, सो मोस्ट प्रोबेबली आकाश का भी चैनल शुरू कर देगा सून इनफ, गेमिंग में भी ब्लॉगिंग, देखा इशारे कर रहा है। और जो भी हो मतलब अभी कैमरा लिया है तो ऑफकोर्स करेगा ही कुछ ना कुछ, तो किली कांडी करेगा ही बंदा, तो अब देखते हैं कैसे क्या करता है ये। अब सो मतलब ट्रेन लग गई है, स्टेशन पहुंच गए अपन CST और यहाँ से अपन जाते सीधा घर पे और बस अपन मिलते हैं घर पे, बाकी का जो भी रहेगा मैं घर पे एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या सामान मैंने खरीदा है। तो आई एम टायर्ड एज एफ, गर्मी कैसे हालत ख़राब होगी, तो अपन मिलते हैं सीधा घर पे भाई कल्याण में अपने। One eternity later. तो मैं ये बोल रहा था कि घर पे आ गए सब हो गया, और शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया था, फिश टैंक का मैंने सामान लिया था, फिल्टर लेना था फिल्टर ले लिया मैंने, फिल्टर मेरे को अराउंड 550 का आया, उसके बाद थोड़ी उसके अंदर का माल मटेरियल वो सब जो रहता है वो लिया, बट एक सीन ये हो गया कि जो फ़िल्टर भैया लेना था फ़िल्टर में मेरे को कोई फ़िल्टर के जो मीडिया रहते फ़िल्टर मीडिया मिले ही नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं लेते टाइम, बट कोई बात नहीं हो गया, तो अभी हो गया कुछ क्या ही कर सकते हैं अपन, फिर अभी कुछ नहीं, अब घर पे आए मीडिया में लेने जाऊँगा, सैटरडे छुट्टी है मेरी, अपन ने न्यू ऑफिस ज्वाइन किया है बेसिकली, तो सैटरडे छुट्टी है, अपन न्यू मीडिया या जो भी फ़िल्टर मीडिया में लेने जाऊँगा। और तो मैंने एक एक्वेरियम पंप लिया क्योंकि अपना पंप ख़राब हो गया था, तो और खाना पीना मच्छी का बस वही लिया था और ज़्यादा कुछ नहीं है यार, मतलब ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें लिए, यहाँ वहाँ घूमे, थोड़ा रिव्यू किए कैमरा का, अभी मेरे को ND फिल्टर्स मैंने दो चार वीडियो देखे, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे मैंने और आकाश ने, तो ND फिल्टर लेने का प्लान चल रहा है, ND फिल्टर आएगा कुछ 1.5-2 हज़ार का आएगा, तो थोड़ी सेविंग्स कर लेते हैं फिर खरीदते हैं ND फिल्टर इसके लिए, तो फिर देखेंगे कि भाई कैसे इसका वीडियो आउटपुट आता है, मस्त एकदम क्रिस्पी रहता है, कलर कैसे रहता है एंड सब देखेंगे अपन। एक वीडियो लास्ट वीडियो अपन वाइड एंगल पे शूट कर लेते हैं, तो अब तक की वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छा लगता है। और बस जैसे मैं न्यू माइक खरीद लेता हूँ तो उसकी भी वीडियो अपन पब्लिश कर देंगे, और आपको इस कैमरे के बारे में जो कुछ भी जानना है डू कमेंट में मेंशन करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ही रिप्लाई करने की, और मेरा शक्ल को थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि आज बहुत हम लोग धूप में घूम रहे थे तो थक चुके हैं, और आकाश ने DJI 2 ले लिया है, उसका रिव्यू तो मैं नहीं कर सकता, बट जैसे ही टाइम मिलता है जब आकाश फ्री होता है तो DJI 2 का भी रिव्यू वीडियो बना लेंगे छोटी सी, मतलब आप सबके लिए तो एक आइडिया हो जाएगा जिनको DJI 2 लेनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप कितना मिल रहा है और कैसे वीडियो की क्वालिटी है, बट आई एम श्योर कि एक अपना एक्शन 3 और DJI 2 का अच्छा खासा होगा, मतलब सेम ही है। तो चलो गाइस बाय, आई एम टायर्ड, मैं जा रहा हूँ नहाने को अभी, और चलेंगे गाइस बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम, सी या।